हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लास में। तो बच्चों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167, 32768। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो नंबर है 1331, ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब अगर है तो इसका क्यूब रूट भी होगा, तो उसका आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। और एक बार जिस मेथड से आपने इसको किया है उसी से इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है, इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है और इसका भी क्यूब रूट फाइंड करना है। ध्यान रहे, आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 10, आप इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 5 10, 5 5 5, तो इस प्रकार से जो फैक्टर होगा 10 का वो होगा 2 5 1। आपको ये नहीं करना है, इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आपको नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातें और जान लेना जरूरी है। जैसे जैसे आपका स्क्वायर टेबल होता है, ऐसे आपका क्यूब टेबल भी होता है। वैसे तो आपको क्यूब का टेबल 1 to 20 तक लर्न होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 10 तक की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, 4 cube 64, 5 cube 125, 6 cube 216, 7 cube 343, 8 cube 512, 9 cube 729, एंड फाइनली 10 cube 1000। तो ये वाला जो साइड है इसको कहा जाता है नंबर्स, और ये वाला जो साइड है इसको कहा जाता है क्यूब। ठीक है, तो ये आपको याद होना जरूरी है, इसी के बेस पर हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर एक होता है हमारा, देखिए बोर्ड का जो ये वाला हिस्सा है इसको लेफ्ट साइड कहा जाता है और ये वाले हिस्से को राइट साइड कहा जाता है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे। वी हैव 1331। अब आपको क्या करना है कि ये जो नंबर दिया गया है इसको डिवाइड करना है राइट साइड से, आखिरी से 3 नंबर का पेयर बनाना। तो इधर हमने 3 डिजिट का पेयर बना लिया, इधर एक नंबर रह गया, तो इसके आगे हम 0 लगा करके इस पेयर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसके नीचे क्या नंबर आएगा और इसके नीचे क्या नंबर आएगा। तो ये आपका क्यूब है और ये 1 और 8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास इधर 2 नंबर है, 1 1 है और 1 2 है। तो जो इन दोनों में से छोटा नंबर होता है वो लिया जाता है। जैसे यहाँ पे छोटा नंबर 1 है तो 1 ले लेंगे और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। अब हम इस नंबर के आते हैं तो इसको कहा जाता है यूनिट डिजिट, आखिरी अंक या फिर वंस डिजिट। तो ये जो वंस डिजिट 1 है ये हम देखेंगे कि किसके क्यूब में आता है। तो देखिए वंस यहाँ पर आता है, ये 1 के क्यूब में आता है, तो फिर से हम यही नंबर ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार से जो क्यूब रूट बनेगा 1331 का वो बनेगा 11। ठीक है, वैसे जिनको यहाँ पर 1 to 20 तक का क्यूब लर्न होगा उनको यह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है आपका क्यूब रूट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला देखते हैं। ठीक है, कितना है यहाँ पर 4913। अब देखिए यहां से राइट साइड से जब 3 का पेयर बनाएंगे तो 913 आ जाएगा, 4 अकेला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई 4 किसके किसके बीच में लाई करता है, तो इसको हम हटा देते हैं और हम देखेंगे कि ये 1 cube 1 है और 2 cube 8 है, तो 4 इनके इनके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा, 2 छोटा है कि 1 छोटा है, तो यहाँ पर 1 छोटा है, 1 को ले लेंगे यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ से हमारा वन आ जाएगा, यूनिट डिजिट थ्री है। अब हम देखेंगे किसके क्यूब में यूनिट डिजिट थ्री आता है, तो देखिए सेवन का क्यूब 343 यूनिट डिजिट थ्री आ रहा है, तो मतलब हम सेवन लेंगे। ध्यान रखना इधर हम देखेंगे लेकिन लेंगे नंबर इधर से, ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर लेंगे, कितना आ जाएगा सेवन। और इस प्रकार से जो हमारा क्यूब रूट बनेगा 4913 का वो बनेगा 17। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम फाइंड कर लेते हैं बाकी के दो नंबरों का, ठीक है। तो अगला नंबर है हमारे पास 12167। फिर से हमें इधर से क्या करना है कि तीन नंबर का पेयर बनाना है, तो ये हमारे पास तीन नंबर का पेयर होगा और एक ये हुआ, ठीक है। तो इधर हमें करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नंबर है 12, ये किसके किसके बीच में लाइक करता है। तो अभी देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 12 जो है वो 8 से ज्यादा है, 3 का क्यूब 27 से कम है, इसलिए जो 12 होगा वो यहाँ पर लाइक करेगा 8 और 27 के बीच में। तो इसमें से और इसमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लिया जाएगा। तो देखिए 3 छोटा है कि 2 छोटा है, तो यहाँ पर 2 नंबर जो है ये छोटा है, तो यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा 2। छोटा लेना है, क्या लेना है, छोटा, स्मॉलर। अब ये हो गया। अब हमारे पास इसका नंबर आता है, तो ये क्या है, यूनिट डिजिट है, आखिरी में अंक है, तो हम देखेंगे किसके नंबर के आखिरी में 7 आ रहा है। तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आखिरी में 7 आ रहा है, तो ये वाला नंबर आपको लेना है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। और इस प्रकार से जो क्यूब रूट बनेगा 12167 का वो बनेगा 23, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 3267 का क्यूब रूट कितना होगा, सॉरी 768 का, 32768। तो यहाँ पर क्या है कि इधर से हम पेयर बनाएंगे तीन डिजिट का, कितने डिजिट का, तीन डिजिट का पेयर बनाना है। तो एक तो तीन डिजिट का पेयर ये हो गया, एक इधर अगर हमें पेयर बनाना होगा तो आगे हम जीरो लिख देंगे, लेकिन आप इतना करो मत क्योंकि आपको छोटा छोटा करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 32, तो हम देखेंगे 32 कहाँ पर लाइक करेगा। देखो 32 जो है वो 27 से बड़ा है और 64 से छोटा है, तो यानी कि 27 और 64 के बीच में लाइक करेगा, तो इसमें से 3 छोटा है या 4 छोटा है, तो आंसर क्या होगा, 4 छोटा है, सॉरी 3 छोटा है, ठीक है। तो हम कौन सा आंसर लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे। और अब हम देखेंगे कि जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना है, 8 है। तो यहाँ से आप देखिए कि किस नंबर के यूनिट डिजिट में 8 आता है, तो वो यहाँ पर आता है, किसके, 2 का क्यूब 8, यहाँ से क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो इस प्रकार से जो क्यूब रूट बनेगा 32768 का वो बनेगा 32, कितना बनेगा, 32 बनेगा। तो अब ये हमारा जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हाँ, क्यूब का टेबल याद करना ना भूलें, कोशिश करें कि 20 तक लर्न कर लें, अदरवाइज आप 10 तक लर्न कर लें। थैंक यू क्लास।